एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रिव्यू करने वाला हूँ प्रोटीन एक्स का एक बार फिर से। तो समझ लिए ये एक री रिव्यू वीडियो होगी, और लेकिन साथ में मैं इसमें मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो पुराने और नए प्रोटीन एक्स का कंपेरिजन रहेगा कि भाई दोनों में ऐसा क्या फर्क आ गया कि भाई इसका इतना ज्यादा प्रचार हो रहा है, इतना ज्यादा लोग इसका नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों ले रहे हैं, और क्या आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इस बारे में भी हम इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूँ प्रोटीन एक्स की, प्रोटीन एक्स एक हेल्थ ड्रिंक है जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। इसको लोग वेट गेन फिटनेस को मेंटेन करने के लिए अपनी डेली रूटीन में ऐड करके रखते हैं, और इसको लगभग लोग ज्यादातर ब्रेकफास्ट में खाते हैं या कई बार इवनिंग स्नैक्स में भी खा लेते हैं। मेनली जो हमारे होता है वो ब्रेकफास्ट में ही खाया जाता है ज्यादातर, क्योंकि उस टाइम ही जैसे काफी सारे लोग ऑफिस जाते हैं, जिम करने जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, तो वहां पर लोग इसको इस टाइम पर ज्यादातर यूज करते हैं। और मेनली ये ज्यादा फेमस है हेल्थ ड्रिंक के तौर पर, लोग इसको वेट गेन के लिए नहीं अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वेट गेन वगैरह करने के लिए खा सकते हैं, तो या ऐसे वैसे। तो अगर मैं आपको कहूँ तो मेरी तरफ से देखिए इससे भी बढ़िया बढ़िया ऑप्शन आपके पास मौजूद है। घर पे आपके आलू वगैरह, आलू बनाना वगैरह मौजूद है, तो इससे बढ़िया काफी ज्यादा बढ़िया चीज हो सकती है। या तो आप प्रॉपर मास गेन ले लीजिए, ये एक बीच की ऐसी चीज है जिसमें ना ज्यादा कैलोरीज आपको मिलते हैं ना ज्यादा प्रोटीन मिलता है, ये बीच में आपको फंसा देता है। तो मेरी तरफ से अगर देखा जाए तो इससे बेटर ऑप्शन है। लेकिन अब यहाँ पे हमारा बात तो यह है कि भाई इसके बारे में हमें जानना है कि भाई कि ये पुराने और नए का कंपेरिजन करना है, इसको आपको लेना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई पुराने और नए में क्या डिफरेंस है। वैसे तो आपको आंसर मैंने पहले ही दे दिया कि भाई मेरी तरफ से क्या है, लेकिन फिर भी हम पुराने और नए में डिफरेंस जान लेते हैं कि भाई दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है कि भाई कि हमको इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्यों इसकी इतनी एडवर्टीजमेंट हो रही है। देखिए दोस्तों, जो पुराना वाला प्रोटीन एक्स आ रहा था यहाँ पे, उसके साथ वो क्या रहा था मैं आपको बता दूँ। उस वाले प्रोटीन एक्स में आपको शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में देखने को मिलती थी। अब यहाँ पे आप पुराने प्रोटीन एक्स की पैकेजिंग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाएगी, और यहाँ आपको नए वाले की पैकेजिंग दिख जाएगी। अब यहाँ पे पैकेजिंग तो आपने देख लिया, अब यहाँ न्यूट्रिशन कंटेंट भी देख लीजिए। यहाँ पे आपको पुराने वाले का न्यूट्रिशन कंटेंट दिखेगा और यहाँ पे आपको नए वाले का। अब यहाँ पे जो पुराने वाले का न्यूट्रिशन कंटेंट है, यहाँ पे आप इसकी शुगर की क्वांटिटी देखिए, वीडियो को जूम करके देख लीजिएगा कि भाई यहाँ पे आपको पुराने में शुगर आपको देखने को मिल रहा है पर 100 ग्राम के हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे दो सर्विंग है, एक तो आपके पर सर्विंग यानी 25 ग्राम की, और एक है पर 100 ग्राम पाउडर की। तो यहाँ पे अगर मैं आपको 100 ग्राम बताऊं, तो अगर यहाँ पे आपने 100 ग्राम लिया तो यहाँ पे आपको 31.5 यानी मतलब 31.9 ग्राम के आसपास आपको शुगर मिल रहा है, यानी आप कह लीजिए 32 ग्राम के आसपास आपको चीनी मिल रही है। ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप 32 ग्राम मान के चलिए, यानी आपको 100 ग्राम में केवल 32 ग्राम आपको शुगर मिल रहा है, और बाकी बचा कुछ आपको कहीं न्यूट्रिशन मिल रहा है। और न्यूट्रिशन में भी क्या है, आपको कोई क्लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको देखने नहीं मिला, प्रोटीन का ब्लेंड है, सोया प्रोटीन वगैरह मिल्क पाउडर वगैरह का ब्लेंड है, ऐसा कोई खास प्रोटीन नहीं है कि भाई आपको क्लीन सोर्स मिल रहा है। और बाकी इसमें बचे खोचे आपको विटामिन मिनरल बायोटिन वगैरह आपको बाकी सारी रिमेनिंग आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भैया ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज आपको सबसे ज्यादा मिल रहे हैं वो इसी वजह से मिल रहे हैं, जो भी लोगों की बॉडी में वेट गेन हो रहा है वो इसी शुगर की वजह से हो रहा है। उनकी बॉडी में केवल केवल इंटरनल स्वेलिंग हो रही है जो कि काफी ज्यादा हानिकारक है, मैं अगर आपको बताऊं। क्योंकि जब भी आप खाते हैं आपके इंटरनल बॉडी में, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में काफी ज्यादा स्वेलिंग रहती है, और वो स्वेलिंग आपकी बॉडी में सूजन क्रिएट करती है। आपको ऐसा लगता है कि भाई आपका वेट बढ़ा हुआ लग रहा है, जब आप उसको छोड़ते हैं तो आपके फेस से सूजन कम हो जाती है, आंख आपके नीचे सूजन जो होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। जैसे होता है कि भाई कहते हैं भाई बॉडी भरी भरी से लग रही है, फेसेस का भी भरा लग रहा है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपके बॉडी में सूजन हो रही होती है, उसको आप कहते हैं कि भाई वेट बढ़ रहा है। वेट ऐसे थोड़ी बढ़ता है, वेट बढ़ता है तो केवल फेस में बढ़ेगा, ऐसे थोड़ी है, वो भाई स्वेलिंग होती है, आपका स्टमक निकल रहा है, इंटरनल आपके जो इंटेस्टाइन वगैरह उनके अंदर स्वेलिंग है। जितनी आप ज्यादा शुगर एक बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है, अगर आपने उसको खाया तो आपकी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और जितना ज्यादा वो प्रोसेस्ड चीज होती है उतना समय उसको ब्रेक डाउन करने लगता है, उतना आपके जो बॉडी में वो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है उसको पचाने के लिए, तो इस वजह से आपकी बॉडी में सूजन होती है। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे एक कार है, अगर आपने उसको कंटिन्यूअसली उसकी पीक पर चलाया तो कहीं ना कहीं इंजन बहुत ज्यादा गर्म होगा, इंजन गर्म होगा तो कहीं ना कहीं वो बंद पड़ जाएगा, कह सकते हैं इंजन सीज हो जाता है, जो भी जैसी प्रॉब्लम होती है मतलब ओवर हीट हो जाता है, तो ऐसे आपकी बॉडी के साथ भी होती है। जब उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, कोई हैवी मील आप दे देते हैं, उसको पचाने में जब बहुत ज्यादा समय लगता है, तो उसके अंदर मतलब या कह सकते हैं जब आपका जो बॉडी में जो खाना है वो काफी लंबे समय तक पड़ा रह जाता है इंटेस्टाइन से, अगर नहीं बढ़ता, काफी ज्यादा प्रेशर लगता है बॉडी को उसको पचाने में, तो वहां पे आपके इंटेस्टाइन में स्वेलिंग हो जाती है। तो ये मेन कारण होता है जो कि आपकी बॉडी में शुगर करती है, तो इस वजह से आपको इसको अवॉइड करना है। अब यहाँ पे आपने देखते हैं भाई पुराने वाले को कि भाई पुराने वाले में क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ नए वाले में क्या है। यहाँ पे नए वाले का न्यूट्रिशन कंटेंट आप यहाँ देख सकते हैं, तो नए वाले प्रोटीन एक्स में यहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे इसके अंदर जो शुगर की क्वांटिटी है वो बिल्कुल कम कर दी गई है। यहाँ पे आपको पर 100 ग्राम में आपको देखने को मिलेगा लगभग 13 ग्राम शुगर, जो कि काफी कम हो चुका है, लेकिन कह सकते हैं कि भाई 13 भी नहीं होना चाहिए था, ये कह सकता है लगभग 3-4 ग्राम या 5 ग्राम के आसपास होना चाहिए था मेरे को जो लगता है। क्योंकि देखिए हम चीनी देने के पैसे नहीं दे रहे, क्योंकि 40-50 रुपए किलो में आपको बाहर चीनी मिल जाती है, 15-20 रुपए किलो में
आपको मिल जाती है। या कई बार आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वहां पे आप 1000 रुपए से एक्स्ट्रा या 500 रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं, वहां पे भी आपको 1 किलो चीनी फ्री मिल जाती है। मतलब ये स्लो पॉइजन इतना ज्यादा सस्ता है और लोग फ्री में स्लो पॉइजन को बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया ये एक बीमारी का अड्डा है और आपको नहीं लेना है कि भाई चीनी आप भर भर करके पिए, वो भैया बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज है। यहाँ पे इसके अंदर यही चीज हुई कि भाई नए वाले प्रोटीन एक्स में इसकी जो शुगर की क्वांटिटी है वो कम कर दी गई और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बाकी सारी चीजें हैं उनके अंदर 1-2 ग्राम का आपको फर्क देखने को मिलेगा। जैसे पुराना वाला जो प्रोटीन एक्स है उसमें आपको 32 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम में देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको 34 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम में देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको कैलोरीज 370 देखने को मिलती है नए वाले में और पुराने वाले में आपको 367 कैलोरीज आपको देखने को मिलती है पर 100 ग्राम में। मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क है और ऐसे ही कार्ब्स में थोड़ा बहुत कम हो गया, थोड़ा इसमें ज्यादा हो गया, लेकिन जो मेन हाईलाइट इसमें है वो ये है कि भाई इसका जो शुगर कंटेंट है वो कम कर दिया गया है पुराने वाले की तुलना में। इसकी सबसे ज्यादा कंप्लेन यही आ रही थी कि भैया कि इसके अंदर शुगर बहुत भारी मात्रा में है तो इसको थोड़ा देखना चाहिए, क्योंकि इसको काफी सारे लोग नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि भाई का हर कोई जागरूक हो रहा है, हर किसी को पता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे काफी सारे लोग और भी जानते होंगे, पढ़ रहे होंगे भाई चीनी कितना ज्यादा नुकसानदायक है और इस सप्लीमेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा मतलब कह सकते हैं मेनली शुगर ही, शुगर पर ही फोकस करा गया। बात करते हैं कि भैया इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में आंसर दे दिया लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये लेने के लिए ठीक है अगर आप लोग अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जैसे 11, 12, 13, 14 साल के लड़के हैं, 9-10 साल के, उनको देना चाहे दे सकते हैं, उनके लिए काफी हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जैसे जो एडल्ट हो रहे हैं धीरे धीरे करके 16, 17, 18, 19, 20 के आसपास में आ रहे हैं, उनके लिए प्रोडक्ट नहीं हो सकता। आप कह सकते हैं ठीक है, हाँ कह सकते हैं कि भाई कभी कभी मन करा फ्लेवर वाली चीज लेने का तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई बड़ा गोल है वेट गेन करना, बहुत हैवी वेट गेन करना, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना, अच्छी खासी बॉडी रखना, तो वहां पर यह सप्लीमेंट आपकी कहीं कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। सच बताऊं तो आपको आपके जो 5.5 करोड़ वो वेस्ट हो जाएंगे, मतलब ज्यादा आपकी बॉडी पर इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो छोटे बच्चे उनके लिए काफी हेल्दी चीज है, उनके बॉडी पर यह सप्लीमेंट काफी अच्छा काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें उनके लिए पर्याप्त है, वो जिस हिसाब से खेलते कूदते हैं उसके हिसाब से इसके अंदर सारी चीजें मौजूद है जो कि उनके बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं, अगर आपकी जैसे मैंने अभी आपको बताई है ज्यादा एज है तो वहां पे आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो लीजिए, अदरवाइज मैंने तो आपको अपना ओपिनियन दे ही दिया, बाकी आपकी मर्जी है। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।